गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी अभी आपका रेलवे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फुल नोटिफिकेशन अभी अभी आपका जारी कर दिया गया, देख सकते हैं, जो कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी वैकेंसी आई है उसका यहाँ पर जारी कर दिया गया, देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आपका जो ऑनलाइन डेटा आपका यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, 1/3 से स्टार्ट है, 1 मार्च से और 31 मार्च तक आपका चलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं पोस्ट पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका ये पोस्ट है, 10,688 पोस्ट है 12th लेवल का, ठीक है ना। 12th जो पास किए हुए हैं उनके लिए 18 से 30 वर्ष एज है, 1/7/2019 को एज उनका 18 साल हो जाना चाहिए। और यहाँ ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल की जो ग्रेजुएट लड़के हैं उनके लिए 24,649 पद पर वैकेंसी है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा टोटल वैकेंसी 24,649 और 12th लेवल पर 10,628। और यहाँ पर ऑनलाइन की बात करूँ तो यहाँ पर देख लें साफ साफ आप लोग, जो कि 31 मार्च तक लास्ट डेट आपका है यहाँ पर, क्लोजिंग डेट 11 बजे तक। और SBI से चलान का माध्यम आपका 5 अप्रैल तक है और 12 अप्रैल तक आपका फाइनल सबमिशन है। और जो एग्ज़ाम डेट है फ्रेंड्स वो जून और सितंबर 2019 में होने वाला है, यहाँ पर देखिए साथ साथ दे दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 4,319 पद हैं, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 760 वैकेंसी है, जूनियर टाइम कीपर में 17 वैकेंसी है, ट्रेनर क्लर्क में 592 वैकेंसी है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 4,940 वैकेंसी है। तो यहाँ पर 10,628 वैकेंसी यहाँ पर टोटल दिया हुआ है फ्रेंड्स, देख लें आप लोग साहब साहब। और यहाँ पर जो बी में है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर है, इसमें आप लोग देख लें सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें स्टेशन मास्टर में है, 6,865 पद हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर गुड्स गार्ड में 5,748 पद हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 5,638 पद हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2,873 पद हैं, जूनियर क्लर्क असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 3,164 पद है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है। ST SC OBC नल के लिए में लेकर यहाँ पर छूट की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात करी है, तो यहाँ पर देखें साहब साहब लोग तो यहाँ पर नॉर्मलाइज भी किया जाएगा मार्क्स को, ठीक है, नॉर्मलाइज भी किया जाएगा यहाँ पर मार्क्स को, देखिए यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया था। और आगे देखता हूँ मैं नोटिफिकेशन में क्या है और भी वैकेंसी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेडिकल के बारे में बताया गया है। एज लिमिट की बात करूँ देखिए यहाँ पर 1/7/2019 का गणना की जाएगी, 18 से 30 साल ग्रुप ए वाले के लिए है। यहाँ पर देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर साफ साफ आपके सामने शो कर दिया गया, आप तो देख ले फटाक्सिन जो भी है, ST SC OBC जनरल कम्युनिटी जो भी है देख ले यहाँ पर। और छूट की बात करूँ तो OBC नन के मिलकर 3 साल की छूट है, ST SC के लिए 5 साल की छूट है यहाँ पर दिया हुआ है। एक सर्विसन UR वाले के लिए 30 साल प्लस नंबर ईयर ऑफ 3 ईयर्स, PWD वाले के लिए भी देख लें यहाँ पर दिया हुआ है छूट की बात करूँ 10 साल है, जनरल वाले के लिए, OBC वाले के 13 साल है, ST SC के लिए 15 साल है। और जम्मू कश्मीर वाले के लिए भी यहाँ पर दिया गया है छूट, देख ले ध्यान से आप लोग। और यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेजुएट लेवल का जो भी 18 से 33 साल यहाँ भी दिया गया है, इनका भी वही है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लें यहाँ पर 500 रुपये आपको लग रहे हैं, 400 रुपये आपका रिफंडेड डिलीवरी बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टडी एग्जाम, यानी जो एग्जाम आप देख लिया उसका 400 रुपये का रिफंड हो जाएगा। ST SC महिला के लिए PWD करने वाले का 250 रुपया है और वो टोटल पैसा आपका वापस हो जाएगा रिफंड, जो कि एग्ज़ाम आप लोग दीजिएगा। तो मोड ऑफ़ फी आपको ऑनलाइन करना है पेमेंट है यहाँ पर। और जिनका भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से जो भी बिलोंग करते हैं उनका एनुअल इनकम 50,000 से कम है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे दिखाता हूँ मैं फ्रेंड्स, कुछ कुछ दिया हुआ है जो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 90 मिनट का होने वाला है, यानी 1.5 घंटे का होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन होने वाला है देखिए आपका जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट की ऑफ इक्लूटी फॉर PWD वाले के लिए 120 मिनट टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, और हम लोग के लिए जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 90 मिनट का टाइम, यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो सिलेबस है यहाँ पर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स से क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCM जो भी रहता है वो, जनरल अवेयरनेस से क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, और सेकंड स्टेट CVT एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसमें देखिए क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, वो भी 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग्स है। जो भी सिलेबस है वो लोग आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें सिलेबस का बढ़िया से टाइपिंग स्किल टेक्स्ट यहाँ पर होगा, जो भी होगा देख लीजिए, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए
ये सब अगर आप लोग पद भरते हैं दिन के लिए आपके पास टाइपिंग होगा, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहाँ पर देख सकते हैं हिसाब से यहाँ पर लिख दिया गया है किनका टाइपिंग स्किल होगा किनका नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी यहाँ पर आपका होने वाला है, जो भी एग्जामिनेशन दीजिएगा कैलकुलेशन नॉर्मलाइज मार्क्स ये ऐसे होगा। देखिए ये यहाँ पर नॉर्मलाइज करता है, तो हाउ टू अप्लाई वो कैसे करना है वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसमें आप लोग अप्लाई कर पाइएगा फ्रेंड्स कल से। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सबमिशन सभी लोग कर पाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेशन मास्टर कॉमर्शियल अकाउंटिंग ग्रुप्स कार्ड जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सीनियर क्लर्क कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड सीनियर टाइम कीपर के लिए यहाँ पर सभी के लिए डिग्री है और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर 9 से लेकर 13 तक जो भी कैंडिडेट है 12th पास भर सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है सब सब। और ये यहाँ पर देख लीजिए कौन से बोर्ड, अहमदाबाद बोर्ड है, ठीक है। अहमदाबाद बोर्ड का सीट यहाँ पर देख सकते कितना है, 1024 सीट यहाँ पर दिया गया है अहमदाबाद को। अजमेर को यहाँ पर 1773 सीट दिया गया है टोटल मिला के। अलाहाबाद को यहाँ पर 4099 सीट दिया गया है देख सकते हैं आप लोग, दिखाना चाहता हूँ। बेंगलुरु को यहाँ पर 2470 सीट दिया गया है। भोपाल को 997 सीट दिया गया है। भुवनेश्वर को 498, बिलासपुर को 1270 1207, चंडीगढ़ वाले के लिए 2483 सीट है, चेन्नई वाले के लिए 2694 सीट है, गोरखपुर वाले के लिए 1298 सीट है, गुवाहाटी के लिए 851 सीट है, जम्मू और श्रीनगर के 858 सीट यहाँ पर है। कोलकाता वाले के लिए बात करूँ तो यहाँ पर 2949 सीट है। मालदा टाउन वाले के लिए 1043 सीट यहाँ पर है। मुंबई में 3665 सीट है। मुजफ्फरपुर में आपका 329, पटना में 1039 और रांची में 1386 सीट है। सिकंदराबाद की बात करूँ तो 3234 सीट यहाँ पर सिकंदराबाद में है। सिलीगुड़ी में 443 सीट है। और यहाँ पर बात करो तिरुवनंतपुरम में तो 897 सीट, यानी टोटल पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया 35277 सीट यहाँ पर जारी किया गया है। साफ साफ आप लोग यहाँ पर देख ले फ्रेंड्स। तो बस यही था और कुछ भी नहीं था, तो आप लोग देख लें और जो भी होगा क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है जैसे वो नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कौन से कौन पर भर सकते हैं, तो वो समय जानकारी आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।